नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। संविधान दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया उसने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में संविधान में सेकुलर और समाजवादी शब्द कांग्रेस ने जानबूझकर डाल दिए, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार संविधान में ये शब्द नहीं थे। उनके मुताबिक कांग्रेस ने संविधान में शब्दों को डालकर भारतीय संविधान की असली भावना को कमजोर किया है। जिसे 26 नवंबर 1949 को जिस संविधान को अंगीकार किया था, याद करना, उस संविधान में दो शब्द नहीं थे, सेकुलर शब्द भी नहीं था और समाजवादी शब्द भी नहीं था, सोशलिस्ट शब्द भी नहीं था। कांग्रेस ने चोरी छिपे जब देश के नागरिक अधिकार निरस्त किए गए थे, इमरजेंसी थी, तब इन दो शब्दों को भारत के संविधान में डाल करके भारत के संविधान की आत्मा के गले को घोटने का काम कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस ने किया था। फिलहाल अब ऐसे भी सवाल तो बनता ही है कि आखिर फिर ये सेकुलर शब्द आया कहां से और क्या इसे संविधान में हटाना संभव है। दरअसल सेकुलर शब्द का मूल लैटिन शब्द सेकुलम से इसे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है समय, युग या धर्म से तटस्थ रहना, जिसका मतलब ये नहीं है कि शब्द धर्म विरोधी है, बल्कि इसका मतलब यह है कि व्यक्ति या समाज किसी खास धर्म के पक्ष या विपक्ष में नहीं खड़ा होता। ये शब्द पश्चिमी देशों में चर्च और राज्य के बीच अलगाव को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत में इसे राजनीति में धर्म निरपेक्षता को दर्शाने के लिए यूज किया गया। ये शब्द अब भारतीय संविधान का हिस्सा बन चुका है और इसे भारतीय समाज के धर्म निरपेक्ष पहचान के रूप में देखा जाता है। जब भारतीय संविधान बन रहा था तब इस शब्द पर तीव्र बहस हुई थी, ऐसा कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित कई प्रमुख नेताओं ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि सेकुलर शब्द जोड़ने से यह संदेश जाएगा कि धर्म का समाज और राजनीति में कोई स्थान नहीं है। लेकिन 1976 में जब इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने संविधान में बदलाव किया तब सेकुलर शब्द को प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। इससे पहले संविधान में धर्म निरपेक्षता का भाव था, लेकिन सेकुलर शब्द स्पष्ट रूप से समाविष्ट नहीं था। अब सवाल है कि क्या सेकुलर शब्द को संविधान से हटाया जा सकता है? तो इसका जवाब है कि भारतीय संविधान से सेकुलर शब्द को हटाना आसान नहीं है। इसे हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत एक जटिल प्रक्रिया अपनानी होगी। जैसे कि संविधान के किसी भी भाग में बदलाव के लिए संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाता है, सदन के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से इसे पारित कराना होता है। अगर संविधान का संशोधन संघीय ढांचे को प्रभावित करता है तो इसे राज्य की सहमति भी जरूरी होती है। संसद और राज्यों की सहमति के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति से संशोधन लागू किया जाता है। अगर सेकुलर शब्द को हटाया जाता है तो यह भारत की पहचान पर गहरा असर छोड़ सकता है। भारतीय समाज की नींव धर्म निरपेक्षता पर है, यह हमारे संविधान की आत्मा है। अगर इसे हटाया जाता है तो पूरी दुनिया को यह संदेश जा सकता है कि भारत अब पहले जैसा धर्म निरपेक्ष देश नहीं रहा। इसे भारतीय समाज में व्यापक विरोध और बहस उठ सकती है, क्योंकि ये शब्द एक राजनीतिक शब्द नहीं बल्कि भारत की विविधता और समानता का प्रतीक फिलहाल बन चुका है। वहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, इस कारण इसे बदलने का प्रयास संविधान के मूल संरचना को प्रभावित कर सकता है और इस पर अदालत में चुनौती दी जा सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो सेकुलर शब्द है इसको लेकर विवाद आए दिन बना रहता है, लेकिन आज संविधान दिवस पर एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने शब्द का प्रयोग करके इस पर एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।